हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अफरा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो SSC 10+2 मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो पूरी तरीके से जो वैकेंसी निकली है, ठीक है, 10+2 की SSC की 4500 समथिंग निकली है पूरी। तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस वीडियो में बात करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस। बहुत सारे कैंडिडेट जो फॉर्म भरने जा रहे हैं वो बस क्या देखते हैं कि कब ऑनलाइन स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है और कौन से पोस्ट है, बस इतना ही देखते हैं, लेकिन पूरा PDF रीड नहीं करते, वही मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस इसमें देना होगा। पोस्ट प्रेफरेंस चुनते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो इसी पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो PDF में दिया हुआ है 16 नंबर पर, और ये आपको पेज नंबर 20 पर आपको मिल जाएगा। तो ये मैं पूरा आज आपको रीड करके बताऊँगा कि पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, वरना आप सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। अगर आपने गलत पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया है तो बाद में चल के अदर एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिकल एग्जाम, तो आप पूरी तरीके से बाहर हो जाओगे। ठीक है, नहीं अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में क्या कहा गया है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, फिर उस आधार पर आप पोस्ट प्रेफरेंस को देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये मैंने PDF ओपन कर रखा है, ठीक है, SSC 10+2 का, और ये पेज नंबर 20 का मैंने ओपन कर रखा है, और ये 16 नंबर का कॉलम का है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस। अब इसमें क्या कहा गया है पूरा मैं आपको रीड करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस इस फॉर्म भरते समय आपको देना पड़ेगा। 3 तरह की इसमें वैकेंसी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की इसमें वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरीट की वैकेंसी है, ठीक है, और इस सबके साथ लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। तो 3 तरह की पोस्ट है, और अलग अलग मंत्रालय में आपको, अगर मान लीजिए आप सेलेक्टेड होते हो तो अलग अलग मंत्रालय में आपको पूरा सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, किसी न किसी मंत्रालय में आपको भेज दिया जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन होने पर। तो 3 तरह का पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट और लोअर डिवीजन क्लर्क का है। ठीक है, तो कैसे हम देंगे इन्हीं तीनों पोस्टों को पोस्ट प्रेफरेंस, इस पूरी बात को मैं इस PDF के थ्रू बताऊंगा क्या कहा गया SSC की तरफ से। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं द एग्जामिनेशन, इस लाइन में कहा गया द एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड मल्टीपर्पज, ठीक है, मल्टीपल पोस्ट फॉर वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस। ये जो एग्जाम कराया जा रहा है, ठीक है, मल्टीपल पोस्ट के लिए, ठीक है, वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में जितनी भी रिक्तियां होंगी उनके लिए कराया जा रहा है। प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है, प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन के थ्रू आपको पूरा बताना पड़ेगा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि आप कौन सा पोस्ट पहले लेना चाहते हैं, कौन सा बाद में। फिर उसके बाद कहा गया है फॉर्म द वेबसाइट कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से आपको इस आयोग की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय आपको पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ए कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर, ठीक है, ऑफ पोस्ट ऑफ ए फॉर ए पोस्ट एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ़ ही हैज़ नॉट, ठीक है, इफ़ ही हैज़ नॉट इंडिकेटेड पोस्ट प्रेफरेंस फॉर इट। एक कैंडिडेट तब तक वो पूरी तरीके से क्या नहीं किया जा सकता, कंसीडर नहीं किया जा सकता उस पोस्ट के लिए, जब तक उसने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिल कर रखा है किसी भी मंत्रालय में, उसे जॉब तब तक नहीं कंसीडर किया जा सकता उसका फाइनल सिलेक्शन, यदि अगर उसने क्या पोस्ट प्रेफरेंस नहीं इंडिकेट किया है। तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, ऑप्शन 1 सबमिटेड शैल बी ट्रीटेड फाइनल एंड विल नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली अंडर सर्कमस्टेंसेस। इसमें कहा गया कि एक बार अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस चुन लेते हो, मान लीजिए डेटा एंट्री ऑपरेटर चुन लिया, तो कभी दोबारा चेंज नहीं होगा फाइनल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद। देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल इन सच ऑप्शन। तो इसलिए आप कैंडिडेट ध्यान रखें इन सभी पोस्ट प्रेफरेंस को देते समय। सेकंड लाइन क्या कहा गया, सेकंड लाइन कहा गया है कि कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन फाइनल रिजल्ट। अगर जो भी कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं इसके वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय, तो उनका फाइनल रिजल्ट जब तक आएगा उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए। सच कैंडिडेट शैल नॉट प्रोवाइड एनी विद अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट विल बी सोलनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अगर आपने अभी नहीं पोस्ट प्रेफरेंस दिया तो बाद में आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एनी ग्रीवेंस रिसीव इन दिस रिगार्ड लाइक पोस्ट, ठीक है, फैक्स, ईमेल एंड सेल नॉट बी एंटरटेनमेंट कमीशन विल बी समरली रिजेक्टेड। ठीक है, कोई भी आपको स्वीकृति नहीं मिलेगी, ठीक है, चाहे पोस्ट के थ्रू, फैक्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मतलब कि आप कमीशन को पूरी तरीके से बता सको और पोस्ट प्रेफरेंस का कोई भी ऐसा कोई मौका ही नहीं है। ठीक है, कोई भी स्वीकृति आपको नहीं मिलेगी। चलिए आगे क्या कहा गया, 16.3 में रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क इन BRO इज अवेलेबल NSL 16। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क की जो भर्ती है, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क की, उसमें क्या आपका क्या क्या मांगा गया है, जाहिर सी बात है लोअर डिवीजन क्लर्क में आपका यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन कर दिया है फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड। ये 3 तरह के आपके एग्जाम होंगे, मतलब आप
रिटर्न क्वालिफाई करोगे, फिर उसके बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा, फिजिकल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी और यही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट नहीं समझ पाते, लोअर डिवीजन क्लर्क टिक कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम रहता है कि इसका जो फिजिकल भी काफ़ी टफ होता है, तो फिजिकल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, अब ये क्या है अभी मैं आगे पढ़ के आपको बताऊंगा, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें एक तरह का एग्जाम होता है, इसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल टोटल एनेक्चर 16 के थ्रू पूरा होगा। अभी मैं एनेक्चर 16 आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसमें और रीड कर देता हूँ। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड बिफोर ऑप्टिंग लोअर डिवीजन बीआरओ। पूरी तरीके से कैंडिडेट सुनिश्चित कर ले कि वो लोअर डिवीजन क्लर्क इन बीआरओ में पूरी तरीके से इस फॉर्म को भर रहा है, इस प्रेफरेंस को दे रहा है। पोस्ट वन सेलेक्टेड एज पर मेरिट कम प्रेफरेंस द कैंडिडेट विल नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली ड्यू टू फेल्योर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग दिस स्टैंडर्ड। पूरी तरीके से कैंडिडेट सुनिश्चित कर ले, ठीक है, क्योंकि अगर ये पोस्ट एक बार अलॉट कर दिया जाएगा पर मेरिट कम प्रेफरेंस, तो कैंडिडेट कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा आगे चल के अपने पोस्ट प्रेफरेंस को, ठीक है। ड्यू टू फेल्योर कैंडिडेट क्वालिफाई दिस स्टैंडर्ड, अगर वो इस स्टैंडर्ड में पूरी तरीके से क्या फेल हो जाता है, तो ये नहीं है कि वो चेंज कर लेगा, ये सब कुछ नहीं है। मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क में अगर वो मान लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड में पूरी तरीके से क्या हो गया, देखिए यहाँ पे विल नॉट बी चेंज, नहीं कर पाएगा ड्यू टू फेल्योर, ठीक है, पूरी तरीके से फेलियर अगर हो जाएगा कैंडिडेट इस सभी क्वांटिटेट सभी स्टैंडर्ड में क्वालिफाई करने से, ठीक है। तो ये एक बार अगर ये इतना कहा गया है, चलिए मैं एनेक्चर 16 आपको फिर ओपन करके बताता हूँ कि इसमें और भी क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन से फिजिकल टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से फिजिकल टेस्ट देने पड़ेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क में। इसी टेस्ट देखिए है क्या, जैसा मैंने कहा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपको लोअर डिवीजन क्लर्क में देना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में, मतलब इसका जो सिलेक्शन होगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका क्लर्क का सिलेक्शन होगा, तो ये आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, तो देखिए क्राइटेरिया फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आर प्लेस शेड्यूल फर्स्ट नोटिफिकेशन, मतलब इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका पूरा होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा ये GREF सेंटर पे पूरी तरीके से कराया जाएगा, ठीक है। तो GREF सेंटर, इसके पहले मैं बता देता हूँ शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे। तो शेड्यूल फर्स्ट में ओपन कर लेता हूँ, तो शेड्यूल फर्स्ट चलिए यहाँ मैंने फिजिकल शेड्यूल फर्स्ट मैंने ओपन कर रखा है, इसी के थ्रू आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए पूरा है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें आपको एक्टिविटी क्या कराई जाएगी, 1 mile kilometer, मतलब 1 mile आपकी रनिंग होगी, और इन सबके साथ साथ मैक्सिमम मार्क आपको क्या दिया जाएगा, ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, पूरी तरीके से अनिवार्य है आपको 1 mile आपको दौड़ना पड़ेगा, ये पूरी तरीके से अनिवार्य है, जो लोग नहीं दौड़ पाएंगे वो सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। और इसमें आपको 10 minute आपको देना 10 minute आपको मिलेगा, ठीक है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क में सबसे पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, इसमें 1 kilometer दौड़ना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, और 10 minute इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1 mile रन टू बी कंप्लीट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, 10 minute में ही आपको दौड़ के कंप्लीट करना, नहीं कर पाओगे तो बाहर हो जाओगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी तरीके से, हम आंसर है कि कैंडिडेट क्वालिफाइंग, ठीक है, थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल हैव टू मैंडेटरी पास द टेस्ट इन 1 mile टू हेड सेंटर पुणे अंडरगो, मतलब पूरी तरीके से ये कंपलसरी है, ये रनिंग ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, अब मैं उसके बाद आगे चलता हूँ। चलिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के बाद अब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा, इसमें रीजन वाइज आपकी रिक्रूटमेंट जो होगी आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए पर्सनल GREF बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको देना पड़ेगा, शेड्यूल सेकंड के अकॉर्डिंग क्या क्या देना पड़ेगा, मतलब कौन कौन से आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में कैसा कैसा आपसे मतलब क्या क्या कराया जाएगा, कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे। चलिए मैं ये शेड्यूल सेकंड ओपन करता हूँ, उसमें पूरा पढ़ के बताऊँगा कि इसमें आपको क्या क्या टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ इसका शेड्यूल सेकंड मैंने ओपन कर रखा है, शेड्यूल सेकंड में रीजन वाइज आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न हिमालय में, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जितने भी जो पहाड़ी एरिया वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका ये टेस्ट होगा। और इन सबके साथ साथ इसमें जो मिनिमम हाइट है आपकी वो 158 रहनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो मिनिमम 75 centimeter रहना चाहिए अनएक्सपेंडेड, ठीक है। और इन सबके साथ साथ जो आपका वेट होना चाहिए 47.5 kg होना चाहिए। तो ऐसे आपका सभी दिया गया है, ईस्टर्न रीजन का भी दिया गया है, ठीक है, ईस्टर्न रीजन का भी दिया गया है, वेस्टर्न रीजन का भी दिया गया है, तो सभी का अलग अलग अपना दिया गया है, ठीक है, वेस्टर्न रीजन का, ईस्टर्न रीजन का। तो आप इसको पूरा PDF ओपन करके आप रीड कर सकते हो, सभी के अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये पूरा दिया गया है, इसमें आप जान सकते हो कि हाँ इतना इतना रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ लास्ट में जो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है वो दिया है गोरखास, जो इंडियन डोमिसाइल, इनकी हाइट 152 रहनी चाहिए, मिनिमम 75 centimeter चेस्ट होना चाहिए, 47.5 kg वेट होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया कहा गया है शेड्यूल सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड का। चलिए आगे बात कर लेते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। द स्पेसिफाइड मेडिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट कैंडिडेट बीआरओ एज पर जॉब प्रोफाइल, चैटर ऑफ ड्यूटीज, एंटीसिपेटेड डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग एक्सट्रीम एरिया हाइट, मतलब पूरी तरीके से हिली रीजन पे जिसकी ड्यूटी लगेगी इसके थ्रू, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क के थ्रू, उसकी हाइट, चेस्ट
ये सब पूरा आपका देखा जाएगा, ठीक है। हाइट वेट सब नापा वापा जाएगा, इसमें वेट भी आपका देखा जाएगा, तो हर एक चीज़ आएगा। ये शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होगा। तो शेड्यूल थर्ड हम ओपन करके आपको दिखाते हैं क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका पूरी तरीके से जितने भी कैंडिडेट इसके लिए सिलेक्टेड होंगे जिन्होंने लोअर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा है, ठीक है, उनका जॉब प्रोफाइल, चैटर ऑफ ड्यूटी, एंटीसिपेटेड डिप्लॉयमेंट और इंक्लूडिंग रिमोट एरियाज, हाई एल्टीट्यूड, डिफिकल्ट एरियाज ऑफ एनी टेरिटरीन, ठीक है। पूरी तरीके से जो ये रिक्रूटमेंट होगा जितने भी कैंडिडेट का, उनका जॉब प्रोफाइल और उनकी ड्यूटी और हिली रीजन पे वो ड्यूटी करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड पास करने पड़ेंगे, ठीक है, वो सब आपका शेड्यूल नंबर थर्ड में मेंशन किया गया है, ठीक है। नॉर्मली तो वैसे मेडिकल अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का एक्सरे आपका लिया जाता है, ठीक है, हाइट नापी जाती है, फिर उसके साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन देखा जाता है, ब्लड की पूरी जाँच की जाती है, ठीक है, हाइड्रोसिस वगैरह भी देखा जाता है कि हुआ है कि नहीं, फिर ये हो गया, फिर कोई अभी हाल ही फिलहाल में सर्जरी हुई है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। तो बहुत सारे जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में नॉर्मली इतना तो होता ही है, ठीक है, लेकिन शेड्यूल सेकंड थर्ड में क्या कहा गया है, लोअर डिवीजन क्लर्क का कैसा मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, ये शेड्यूल थर्ड में कहा गया है। वैसे इस वीडियो में मैं पूरा नहीं पढ़कर बताऊंगा क्योंकि काफी शेड्यूल थर्ड बहुत ही लंबा है, कम से कम 5-6 पन्ने का है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आज जो मेरा मकसद था कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना कि अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क अगर आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, लोअर LDC का, ठीक है, तो आपको समझ लीजिए कि रिटन एग्जाम के बाद आपको फिजिकल टेस्ट अच्छी तरीके से देना है, उसमें अगर फेल हो गए तो आप बाहर हो जाओगे सीधे सीधे, तो आपको ये देना पड़ेगा और ये काफ़ी टफ होता है, ठीक है। और जितने लोग लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट प्रेफरेंस में डालोगे, तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूरी तरीके से कह दिया गया है कि पोस्ट प्रेफरेंस देते समय सावधानी बरतिए, ठीक है। तो ये आप इस वीडियो से कुछ तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे होता है लोअर डिवीजन क्लर्क का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़कर बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके माइंड में अभी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।